इसमें मोदी मैजिक काम कर रहा है, मैनपुरी कोई उससे अछूता थोड़ी रहेगा, मैनपुरी में भी करेगा। और ये 2024 की स्क्रिप्ट जो है पूरे देश में लिखी जा रही है, आजमगढ़, रामपुर जहाँ वो अपना गढ़ बताते हैं वो गढ़ भी हमने ध्वस्त किया है और मैनपुरी को अपना गढ़ बता रहे हैं इसे भी हम ध्वस्त करेंगे। ये गरीबों के दुश्मन हैं, गरीबों को खाते पीते देख नहीं सकते। अगर गरीब लोगों को सरकारी अनाज दिया जा रहा है, सरकार दे रही है, तो इसमें तो इन्हें खुशी होनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए उसकी, उसका विरोध करने का क्या मतलब है। समाजवाद यहाँ है नहीं, यहाँ तो परिवारवाद है। समाजवाद तो ये झूठा अपना ढोल पीट रहे समाजवाद का, समाजवाद तो दूर दूर तक नहीं है। समाजवाद होता तो क्या पत्नी रह गई थी लड़ाने को? हमारे यादव था हमारे लोकसभा क्षेत्र में, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक अच्छे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, किसी को भी लड़ा सकते क्या रहे। ये हार की बौखलाहट, ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है हार से पहले की स्क्रिप्ट, क्योंकि जब हारेंगे तो यही आरोप लगाएंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, हमको वोट नहीं डालने दिया गया। और फिर बाद में कहेंगे कि ईवीएम मशीन सेट करी हुई थी, उनका जो है स्टैंडर्ड पैटर्न है। ईवीएम को लेकर भी यहाँ सवाल उठ रहे हैं लगातार कि बैलेट पेपर पे कराएं तो पता चल जाए भाजपा सरकार को कि क्या सच्चाई है लोगों को। भाई उसी ईवीएम से जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम अच्छी है, और जहाँ वो हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब है। अगर ईवीएम के भरोसे ही भाजपा चुनाव लड़ती तो क्यों हम राजस्थान हारते, क्यों हम छत्तीसगढ़ हारते, क्यों हम झारखंड हारते, क्यों हम पंजाब हारते? तो फिर ईवीएम तो वही ईवीएम है, सब जगह सेट करके जीत सकते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्ला बोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी, और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, जहां पर उपचुनाव पूरी तरह से जोरों शोर पर है और मैनपुरी के गलियारे में चुनावी सियासत पूरी तरह से गर्म है। अगर आपको एक तरफ बता दें तो ये सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन जहां मैं मौजूद हूं जिस विधानसभा में भोगांव और मैनपुरी सदर, इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार यहां पर भाजपा जीती हुई आई है। और वहीं आपको बता दें तो मैनपुरी की बात पर करहल और इटावा की एक सीट है वो जसवंत नगर, वहाँ पर सपा का बोलबाला है। इस बार जीत के लिए इन दो सीटों पर भाजपा को सेंध लगानी होगी। उसके लिए आज हम मौजूद हैं, आज हमारे साथ राम नरेश अग्नियोत्री जी हैं जो कि यहाँ से वर्तमान विधायक हैं भोगांव से। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल प्राइम में। जी धन्यवाद सर। इस बार का चुनावी समीकरण क्या कहता है? उपचुनाव में लगातार तलखियाँ चल रही हैं, तो सर इस बार का चुनाव कैसे देखते हैं आप लोग? इस चुनाव का सीधा गणित है, पिछली बार जो चुनाव हुआ था जिसमें श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी विजयी हुए थे, उसमें सपा और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे गठबंधन से, तब 94,000 वोट से वो जीत पाए थे। और इस क्षेत्र में पूरे लोकसभा में 1.5 से लेकर 2 लाख वोट बीएसपी का समर्थित वोट है, जो वोट कम होगा, पहले हमको नहीं मिला था वो वोट, अब वो वोट अधिकांश हमको मिल रहा है। तो इसलिए सीधा आंकड़ा है, कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। वो 1.5 लाख 2 लाख जो वोट है वो मान लीजिए 1 लाख भी कम होता है तो अभी वो बुरी तरह से हारेंगे, 50,000 भी कम होता है तो 50 उनका घटेगा, 50 हमारा बढ़ेगा तो अभी हम जीतेंगे। इसलिए जीत में कहीं कोई संशय नहीं है। डिंपल यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं भाजपा सरकार पर कि वर्तमान समय में वो जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है प्रशासनिक रूप से, और वे भी एक भाषण में कहती हुई नजर आ रही हैं कि आप लोग चुनाव के पहले अपने घर से निकल जाइए, नहीं तो आप लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहती हुई नजर आई। इस पर क्या राय है आपकी? ये हार की बौखलाहट है, ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है हार से पहले की स्क्रिप्ट, क्योंकि जब हारेंगे तो यही आरोप लगाएंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, हमको वोट नहीं डालने दिया गया। और फिर बाद में कहेंगे कि ईवीएम मशीन सेट करी हुई थी, उनका जो है स्टैंडर्ड पैटर्न है ये। ईवीएम को लेकर भी यहाँ सवाल उठ रहे हैं लगातार कि बैलेट पेपर पे कराएं तो पता चल जाए भाजपा सरकार को कि क्या सच्चाई है लोगों को। अरे भाई उसी ईवीएम से जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम अच्छी है, और जहाँ वो हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब है। अगर ईवीएम के भरोसे ही भाजपा चुनाव लड़ती तो क्यों हम राजस्थान हारते, क्यों हम छत्तीसगढ़ हारते, क्यों हम झारखंड हारते, क्यों हम पंजाब हारते? तो फिर ईवीएम तो वही ईवीएम है, सब जगह सेट करके जीत सकते थे। इसलिए ईवीएम में खराबी नहीं है, दिमाग में खराबी है। ये बताइए, अगर इस चुनाव को देखते हैं तो साग के मतदाता पुराने समाजवादी माने जाते हैं रघुराज साग जी, तो क्या लगता है कि समाजवाद के कारण क्या उनको जो यादवों का वोट है वो मिलेगा इस बार, क्या लगता है चुनाव में आपको? अब तो 6 साल से भाजपा में है वो जी, अब भाजपा ही है, अब कहाँ समाजवादी? आप तो भाजपा ही है। नहीं, वो रघुराज सिंह, मैं तो जन्मजात भाजपाई हूँ, वो भी 6 साल पहले भाजपा में आ गए थे, तो 6 साल तो बड़ा अंतराल होता है, लोग आज पार्टी छोड़ते कल दूसरी पार्टी टिकट मिल जाता है,
वो तो 6 साल से पार्टी की सेवा कर रहे, तो अब कोई सफाई अपाई नहीं है, शुद्ध भाजपाई है। शुद्ध भाजपाई नहीं, मेरा कहने का अर्थात ये तात्पर्य है कि आखिरकार क्या, जो अगर मान लीजिए आपका नाता कभी ना कभी समाजवाद से रहा है, तो क्या उसका फायदा उनको इस चुनाव में मिलने वाला है कि नहीं? नहीं, उसके फायदे की जरूरत नहीं है। समाजवाद यहाँ है नहीं, यहाँ तो परिवारवाद है। अच्छा। समाजवाद तो ये झूठा अपना ढोल पीट रहे है, समाजवाद का समाजवाद तो दूर दूर तक नहीं है। समाजवाद होता तो क्या पत्नी रह गई थी लड़ाने को? मर्यादा था हमारे लोकसभा क्षेत्र में, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक अच्छे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, किसी को भी लड़ा सकते थे। तो समाजवाद की बात कहाँ है? ये पहले भाई लड़ा, पहले फिर पिता लड़े, फिर भाई लड़ा, फिर अब पत्नी लड़ रही है, तो समाजवाद कहाँ है? ये तो सीधा वंशवाद है। लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि न तो अभी गुंडा राज खत्म हुआ है, न बेटियां सुरक्षित हैं, ये लगातार तंज कसते रहते हैं, इस पर क्या राय है? ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जो नेशनल रिकॉर्ड आ रहा है वो नेशनल रिकॉर्ड भी बता रहा है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा शांत प्रिय देश प्रदेश पूरे देश में अब कोई दूसरा प्रदेश नहीं है। अमन चैन और शांति है, गुंडे भयभीत हैं, फिर भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन कहे? ये तो राष्ट्रीय आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को कहाँ कोई ले जाएगा। और हमला लगातार बोला जाता है कि ये जो अनाज फ्री दिया जा रहा है, इस पर भी लगातार जो सपा सरकार है वो कहीं ना कहीं तंज मारती हुई नजर आती है कि यहाँ पर जो राशन की वजह से भाजपा सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में आई है, और अगर अब आएगी तो राशन की वजह से आई है, इस पर क्या राय? ये गरीबों के दुश्मन है, गरीबों को खाते पीते देख नहीं सकते। और गरीब लोगों को सरकारी अनाज दिया जा रहा है, सरकार दे रही है, तो इसमें तो इन्हें खुशी होनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए उसकी, उसका विरोध करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है, इसका सीधा अर्थ यही है। और महंगाई का जो लगातार वो पुरुषार्थ विरोध करते हैं कि महंगाई है जो वर्तमान सरकार है उस पर उसका नियंत्रण नहीं है, महंगाई पर इन मुद्दों पर नहीं बात करती है, लगातार हिंदुत्ववादी बात करती है, ये बात करेगी, लेकिन महंगाई है जो इन मुद्दों पर रोजगार के मुद्दों पर बात नहीं करती, ये लगातार ये भी आरोप लगता है। महंगाई अगर खरीद में है तो बिक्री में भी महंगाई है, किसान का जो प्रोडक्ट है वो भी महंगा बिक रहा है। कहाँ महंगाई है? 2,500 रुपये ज़्यादा गेहूँ 2,500 रुपये कुंटल बिक रहा है, धान भी 2,000 से ऊपर बिक रहा है, तो महंगाई किसान का जो प्रोडक्ट है वो भी महंगा खरीदा जा रहा है, जो महंगा खरीदा जाएगा तो महंगा बिकेगा, कोई ऐसी महंगाई की बात नहीं है। आज कोई भी कार ले लीजिए आप, कार फोर व्हीलर, किसी का एक महीने से पहले बुकिंग नहीं है। अगर महंगाई है तो कहाँ से खरीद हो रही है? देश खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, महंगाई तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हर चीज़ महंगी हो रही है। अगर उपभोक्ता के खरीदने की चीज़ महंगी है तो उसका प्रोडक्ट भी महंगा बिक रहा है। तो क्या इस बार का चुनाव क्या मोदी मैजिक यहाँ पर मैनपुरी में काम करने वाला है इस उपचुनाव में? पूरे देश में मोदी मैजिक काम कर रहा है, मैनपुरी कोई उससे अछूता थोड़ी रहेगा, मैनपुरी में भी करेगा। और ये 2024 की स्क्रिप्ट जो है पूरे देश में लिखी जा रही है, आजमगढ़ रामपुर जहाँ वो अपना गढ़ बताते थे वो गढ़ भी हमने ध्वस्त किया है, और मैनपुरी को अपना गढ़ बता रहे हैं, ऐसे भी हम दोस्त करेंगे। आजमगढ़ के तर्ज पर अब मैनपुरी क्यों देखते हैं आप लोग? हाँ, आजमगढ़ तो ज़्यादा टफ था, मैनपुरी उतना टफ नहीं है समीकरण के हिसाब से। भाई कुल 17.5 लाख वोट है लगभग, वो 17.5 लाख में से 5 लाख वोट उनके पक्ष का है जिसे वो अपना मानते हैं, हम तो उसमें भी हमारा हिस्सा है, लेकिन उसे 12.5 लाख वोट तो फ्री है, उसमें अधिकांश हिस्सा हमारा ही है, हमारा ही समर्थक है 12.5 लाख वोट, तो कहाँ 5 लाख कहाँ 12.5 लाख। जसवंत नगर की सीट को कैसे देखते हैं? वो विधानसभा बड़ी मायने रखती है, करहल मायने रखती है, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, क्या लगता है? जसवंत नगर पिछली बार हम हारे थे 64,000 से, और उसके पहले हम हारे थे 1.25 लाख से, तो आधे पे आ गए पिछले चुनाव में। इस बार थोड़ा बहुत अंतर रहेगा तो उसे बाकी विधानसभाओं से हम कवर करेंगे। जसवंत नगर कोई हुआ नहीं है, वो हमारा प्रत्याशी भी जसवंत नगर का ही रहने वाला है, उसके भी 2 बार सांसद रहा है, विधायक रहा है, अपनी पकड़ है जसवंत नगर पे, इसलिए कोई कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा। साक्य समाज देख रहे हैं बड़ा विचलित नजर आ रहा है, क्योंकि आपने भाजपा से प्रत्याशी दिया, अपना प्रत्याशी दिया साक्य समाज से, तो उन्होंने अपना जिला अध्यक्ष बना दिया आलोक साक्य को, साक्य भ्रमित है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? साक्य भ्रमित नहीं है, थोड़ा बहुत भ्रमित होगा तो वोटिंग के दिन तक वो सब कंसोलिडेट हो जाएगा, एक जगह एक मुश्त वोट भाजपा के पक्ष में डालेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जो अन्य छोटी छोटी जातियां हैं जिन पर लगातार जो बड़ी पार्टियां होती हैं उन पर फोकस नहीं करती हैं, क्या लगता है उनका क्या मत रहेगा? लोधी जो है, पाल जो है, और जाटो जो है, उनका मत किधर? सब जातियां हमारे पक्ष में है,
इनमें हमारा ही पक्ष प्रबल है, मजबूत है, 80% हमारे साथ हैं ये जातियां, इनमें कोई कहीं कठिनाई नहीं है। मैनपुरी में कुछ लोगों का कहना यह भी है कि भाजपा सरकार यहाँ कुछ विकास नहीं किए हैं, केवल नेताजी जो विकास किए हैं वही विकास हुआ है, बस इस पर क्या राय है? नहीं, विकास कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ के लिए स्वीकृत हुआ है, जल्दी कहीं ना कहीं बनेगा, और मेडिकल कॉलेज एक बड़ा नाम बड़ा काम है। पर्यटन के लिए भी हमारे यहाँ के पर्यटन मंत्री जी हैं, उन्होंने कई पर्यटक स्थलों को स्वीकृत किया है, तो वो पर्यटन स्थल भी डेवलप किए जा रहे हैं। विकास हम तेजी से करेंगे, आगे भी करेंगे। चलिए, आपने अपना मूल्य दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी, जय हिंद जय भारत।